हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मधु एबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का बोंडा। एक कटोरी, छोटी कटोरी से दही लीजिए, सेम उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लीजिए। इसे चम्मच या विस्कर से मिला लीजिए। जब यह मिल जाए तब इसमें एक कटोरी आटा डालेंगे, आधा कटोरी मैदा डालेंगे, एक बड़ा साइज का प्याज बारीक काट कर डालेंगे, एक इंच अदरक को बारीक काट कर डालेंगे, फिर एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो आप हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। फिर 10-12 काली मिर्च डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ढेर सारा धनिया पत्ती को डालेंगे और हाथों के सहारे इसको पहले मिला लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब आटा फेटा जाए तब एक डायरेक्शन में ही इसे हम लगातार चलाते हुए हम इसे फेटेंगे 10 मिनट तक। पानी नहीं डालना है। जब फेटा जाए तो इसमें ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट इसी तरह छोड़ दीजिए। फिर 10 से 12 मिनट के बाद में ढक्कन को हटाइए। फिर इसमें एक चम्मच तेल डालिए, रिफाइन का तेल डालना है, जिससे हमारा जो बैटर है चाहे जो हम नाश्ता बनाएंगे उसमें क्रिस्पीपन आएगा। इस तरह लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक आप इसे फेंट लीजिए। देखिए इतना ऐसा गाढ़ा होना चाहिए बैटर। फिर अपने हाथ को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। एक छोटी सी कटोरी में पानी लेंगे और हाथों को अच्छा से भिंगो लेंगे। फिर थोड़ा सा बैटर लेंगे और गरम तेल में डालेंगे। इसी तरह सारे थोड़ा थोड़ा करके बैटर को हम डाल देंगे। फिर इसे मीडियम आंच पर ऊपर के सतह सूखने तक हम इसको तलेंगे। जब एक साइड से यह तल जाए तो धीरे धीरे करके इसको पलट लीजिए। जब पलट लेने के बाद में फिर इसे इसी तरह दूसरे साइड से भी इसे तलने देंगे हम, मतलब कि पकने देंगे। जब दूसरी साइड से अगर पक जाए तो इसी तरह हम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए उलट पलट करके हल्का भूरा कलर आने तक, मतलब कि गोल्डन ब्राउन आने तक इसे हम तल लेंगे। फिर
जब तल आ जाए तब इसे धीरे धीरे करके हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। इसे आप बोंडा भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसे आप नारियल की चटनी, हरी चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितना फ्लफी बना है। ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।